से अब टेप को हम उतारेंगे तो इससे ना पेंट उतर जाएगा, और वो पेंट उतरेगा तो टेप पे दिखाई टेप देगा। नहीं उतरेगा। अच्छा, पेंट नहीं उतरेगा? नहीं। मतलब पेंट उतर गया तो क्वालिटी डाउन है, और पेंट नहीं उतरा तो इसका मतलब क्वालिटी अच्छे वाले अच्छी। आज इस वीडियो में बात करेंगे पी डी सी सुपर सीडर की एंजल सीरीज की। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी आने वाले टाइम है ना, सुपर सीडर का सीज़न आने लग रहा है, तो सुपर सीडर के सीज़न में जैसे कोई भी ज़मींदार सुपर सीडर अगर खरीदने की सोच रहा है तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि सुपर सीडर अकेला एक इसके आज इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि पी डी सी कंपनी किस तरीके से बनाती है, इसके अंदर कितनी क्वालिटी कंपनी ने डाल ली है इसके अंदर। क्वालिटी का क्या मतलब, जैसे कि कटिंग है इसके पेंट को लेके है, और इस सुपर सीडर के अंदर क्या क्या कंपनी ने अभी नया बदलाव किया है, क्योंकि धीरे धीरे के वैसे टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम टू टाइम जैसे रिसर्च होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने काफ़ी कुछ इसके अंदर बदलाव किया है। लगभग 8 फीचर इसके अंदर कंपनी ने नए दिए हैं। तो इस वीडियो में चलो स्टार्ट करते हैं भाई, और दिखाता हूँ आप लोगों को एक एक फ़ीचर के बारे में, और डिटेल में जानकारी दूंगा कि ये फ़ीचर क्यों बनाया, क्यों बदला है, इसका क्या कारण है, कारण भी समझाऊंगा आप लोगों को। वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन प्रॉपरली आपको नॉलेज देना मेरा फर्ज बनता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे बात करें सुपर सीडर, ये अपना एक पी डी सी कंपनी का सुपर सीडर एंजल सीरीज अभी जैसे नई लॉन्च की है, इसके अंदर जो 8 बदलाव किए हैं, सबसे पहला जो बदलाव किया कंपनी ने, फ्रंट पाइप की बात करें, जैसे ये जो पाइप है जो कि पूरे सुपर सीडर का जो लोड है वो यहीं पे आएगा, इस पाइप पे आएगा। और कंपनी जैसे ये पाइप क्या करें, पहले जैसे 60 mm की पाइप आती थी मोटाई में, अब कंपनी ने इसको 72 mm की मोटाई के साथ में कर दिया। और साथ में ना इसके साथ में क्या होता था, एक और बड़ी प्रॉब्लम आती थी जब हम लिफ्टिंग करते थे, यहाँ पे 3-point लिंक के जैसे हम बात करें, और 3rd पॉइंट जो टॉप लिंक है, टोटली जो वेट है वो सारा इसी पाइप पे होता था। और इस पाइप में जो ये वेल्डिंग पार्ट है, यहाँ पे वेल्डिंग कई बार क्या होता था, ये क्या किसी कारण से उखड़ जाती थी ये वेल्डिंग। अब कंपनी ने क्या किया, इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया इसको, इस पार्ट को इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया है कि ये जो ये पाइप है, ये पाइप इसके अंदर से निकलेगा प्रॉपरली, एकदम फिटिंग हो गया, क्योंकि ये CNC कटिंग के साथ में बनाया गया है। और पाइप को भी प्रॉपर डिज़ाइन करके, इसी पाइप की को प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करके, और इसके अंदर से डिजाइन निकाल के, ये जो पाइप निकला हुआ है इसके अंदर से निकल गया, इस प्लेट के अंदर से निकल के, और साथ में फिर वेल्डिंग भी कर दी, क्योंकि यहाँ पे वेल्डिंग करना कई बार थोड़ा सा दिक्कत आ जाती थी। तो उन चीज़ों का ना समस्या, उन सब प्रॉब्लम को का समाधान यहाँ पर कराया तुमने। सबसे बड़ा मेन डिफरेंस एक तो ये लगाया है। दूसरी बात, अगर हम इसके गियर बॉक्स की बात करें, कंपनी अपना जैसे PDC कंपनी अपना खुद का गियर बॉक्स बनाती है अपने यहीं प्लांट में, और इसकी 2 साल की वारंटी देती है, 3.5 लीटर के ऑयल के साथ में 2 साल की वारंटी के साथ में आता है ये। और साथ में कंपनी ने जैसे कि हम बात करें भाई, ये वाली जो पाइप दिया है यहाँ पे भी मजबूती डाल दी, क्योंकि जो मेन पॉइंट है 3-point लिंकेज, जैसे कि हम बात करें तीनों पॉइंटों पर जैसे पूरा वेट आना इसका रोटा सुपर सीडर का। और जैसे कि हम बात करें भाई, इसकी जो पहले जो साइड में डिस्क आती थी, इसकी जो साइड डिस्क होती थी वो 14 mm की होती थी, लेकिन अब कंपनी ने क्या किया, उसमें क्या छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम्स जैसे फेस करी गई कि भाई जैसे कई बार ज़्यादा पुराल होने के कारण वो डिस्क एक तो जाम हो जाती, घूमती नहीं थी, और ना घूमने के कारण क्या हुआ भाई, पुराल इसके आगे इकट्ठी हो जाती थी और ये पुराल को कटिंग नहीं कर पाती, जिस काम के लिए इसको लगाया ये वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती थी। इसलिए अब इसको क्या करा, 16 इंच की डिस्क के साथ में कर दिया कंपनी, इसका साइज़ है जैसे बड़ा कर दिया, बड़ा होने के कारण क्या है, प्रॉपरली घूमेगी और प्रॉपरली अपना काम करेगी, कटिंग भी करेगी और प्रॉपरली घूमती रहेगी, टूटने के चांसेस के हो जाएंगे बिल्कुल कम। और साथ में सबसे बड़ी खास बात क्या है, एक पॉइंट जो वैलिड है, अब जैसे हम बात करें सुपर सीडर खरीदने से पहले रोटावेटर की भी सोचते हैं, अब आप सुपर सीडर प्लस रोटावेटर दोनों चीज़ें ले सकते हो, इसमें दोनों फ़ायदे मिलेंगे आप लोगों को। सिर्फ मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर आप अपना सुपर सीडर को रोटावेटर बना सकते हो। एक तो तक कहना आप लोगों को, मैं दिखाता हूँ कैसे कर लेते हैं ये। इसमें देखो कंपनी ने क्या किया है, अब किसान ज़मींदार की काम के हिसाब से कम से कम टाइम हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, क्योंकि जब ट्रक बहुत सारे बंदे क्या मैंने भी देखा है, रोटावेटर का काम करना लेकिन सुपर सीडर को साथ में लेके चलते, पूरा सुपर सीडर एक्स्ट्रा वेट हो गया, ट्रैक्टर एक्स्ट्रा वेट खींचना पड़ता है, तो उससे ना डीजल का लॉस हो जाता है ज़्यादा। तो कंपनी क्या किया, एक तो ये पिन यहाँ दे दी, सिर्फ आपको एक पिन निकालनी, ये पिन निकाल दी, और साथ में गिनती के एक नट ये खोलना आपको यहाँ से, और पीछे जो दिखाता हूँ आप लोगों को उस साइड से, और दो नट ये यहाँ से खुलेंगे अपने, ये दो नट ये खुलेंगे। देखो ये प्लेट यहाँ प्रॉपर लेवल पर एकदम अलग है, ये आप देखोगे, ये देखो यहाँ से गैप दिख रहा होगा आपको, और ये गैप आगे तक आएगा, ये 3 नट और साथ में एक ये पिन खोलनी है। और पिन खोलने के बाद जैसे आपको ट्रैक्टर छोड़ने की जरूरत नहीं, ट्रैक्टर जुड़े ये बिल्कुल एकदम ऐसे कैसे आगे निकल जाएगा, जो कि आपका एज ए रोटावेटर काम करेगा। और साथ में रोटावेटर के साथ साथ में ना कंपनी ने एक और बड़ा अच्छा काम कर दिया जो कि फ़ायदेमंद है। जैसे पीछे हमें जैसे यहाँ पे एक मेज लगाते थे, उसके ऑप्शन दिए हैं कंपनी ने, अगर आप चाहो तो ले सकते हो अलग से मेज, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। जो रोलर है इसमें पीछे जो रोलर लगा हुआ है इसके अंदर, जो ये रोलर लगा हुआ है जो पुराल को दबाता हुआ चलेगा प्रॉपरली, मशीन सोयल कॉम्पैक्ट करता ही है, तो इसके इस जैसे जो आप सुपर सीडर खरीदो तो
तो इसमें सुहागा लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी लेना चाहते हो तो आप उसको उसको ले सकते हो, वो एडिशनल आपके लिए बड़ा कंपनी ने दिया, उसके ये ऑप्शन भी सारे डाले गए हैं ताकि आप बाद में चाहो तो लगा सकते हो उस चीज़ को, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपना काम इसी में काम चल जाता है। इससे आपका ना पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा, दोनों चीज़ें बचेंगी, क्योंकि आप उसको कई बार रखोगे कहाँ, रखते रखते कई बार वो जैसे पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनका समाधान रखना, मतलब ध्यान रखना चाहिए। और साथ में बात करें भाई, जैसे गियर बॉक्स की बात करें, अब कंपनी ने क्या किया, पहले इसमें 5 नंबर बैरिंग आते थे, 5 नंबर बैरिंग में जैसे क्या होता था, लॉस तो नहीं था, लेकिन जब कुछ ज़मींदार क्या है भाई, जैसे इसको 24 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे लगातार चला लेते थे, कुछ एक में थोड़ी सी दिक्कत आने की संभावना हो गई थी। तो इसलिए कंपनी ने क्या है, वो प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कंपनी चाहती है भाई सर्विस हमें कम से कम देनी पड़े, ताकि ज़मींदार के पास जो प्रोडक्ट जाए वो हमें बार बार परेशान, ज़मींदार भी ना हो और कंपनी को भी फायदा है और ज़मींदार को भी फायदा है। तो कंपनी ने क्या किया, 8 नंबर का बैरिंग दे दिया इसके अंदर। 8 नंबर का बैरिंग होने के कारण क्या है, अब इसका आप बंदे को बिल्कुल रफ एंड टफ, जो कहते हैं अपना आराम से चलाओ खुल के, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। और साथ में कंपनी ने स्टैंड भी दे दिया, ताकि जब आप रोटावेटर अलग से करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉपरली स्टैंड पे खड़ा रहेगा, और आपको जब दोबारा लगाना है तो अपने ट्रैक्टर में जुड़े जुड़े आप इसको रोटावेटर को अंदर कर दो, तो ये टोटली सुपर सीडर बन जाएगा। और साथ में एक बड़ा बदलाव और किया है, जो कि ज़मींदार भाइयों को ना ग्राउंड लेवल पे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, कि हमारी पाइपें रुक जाती हैं, पाइप रुकने के ना बहुत सारे कारण थे। तो उनमें से एक कारण ये भी था कि भाई जैसे पाइप यहाँ से ना, कि जैसे ये टंकी जो है, जो सीड टैंक है अपना, जो बीज का टैंक है, ये थोड़ा सा नीचे होता था, उसके बाद पाइप में थोड़ी सी हल्की सी बैंड हो जाती थी, और बैंड होने के कारण क्या है, उनमें यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाता था बीज, और साथ में ना जैसे यहाँ प्रॉपरली पूरी धीरे धीरे करके पाइप है ना, एक टाइम पर बिल्कुल ब्लॉक हो जाती थी, बहुत सारे बंदों को पाइप ही चेंज करनी पड़ती थी। तो इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए कंपनी ने क्या किया, जो सीड टैंक है, जो बीज का टैंक है, इसको एक तो थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया, आगे शिफ्ट करने का कारण भी समझाऊंगा आप लोगों को, और एक थोड़ा सा इसकी ना हाइट बढ़ा दी। हाइट बढ़ने से क्या है, जो पाइपें हैं हमारी वो बिल्कुल एकदम सीधी होगी, स्ट्रेट होगी, और यहाँ पे काफ़ी स्पेस होगा, जो कि अपना आराम से बंदा रोटावेटर बनाना चाहे, सुपर सीडर बनाना चाहे, वो भी कर सकता है। हाइट बढ़ा दी इसकी, हाइट बढ़ने से क्या है, हमारी पाइपें बिल्कुल सीधी होगी, सीधी होने के बाद ये ब्लॉक नहीं होगी, क्योंकि बीज यहाँ से जैसे जैसे बीज डलेगा वो एकदम बिल्कुल स्पीड से जाएगा यहाँ पर। और कंपनी ने एक चीज़ और बदलाव किया है, कंपनी ने जो पाइपें हैं ये अंदर की साइड डाली है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि अगर हम इसको पाइप इसके ऊपर पाइप चढ़ाएंगे, बाहर की तरफ इस पाइप को चढ़ाएंगे, तो जैसे वहाँ से बीज भाग के आएगा, तो यहाँ पे जैसे देखो कि बाहर की तरफ ही एक परत बनी हुई है, अंदर जैसे पाइप अगर हम इसको या तो पाइप अंदर की साइड है, अगर पाइप को हम बाहर की साइड चढ़ाएंगे तो वो बीज क्या उस पर अटकता रहेगा, यहाँ पे है ना एक टाइम के बाद पाउडर सा जमा होना स्टार्ट हो जाता है, और जमा होते होते जैसे नमी होने के कारण क्या है, वो धीरे 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 करके एक बड़ा सा रूप ले लेता अपना, उससे क्या हमारी पाइप को धीरे 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 ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है, और जो नीचे बीज जाना चाहिए वो बीज है ना कम कर देता, मात्रा धीरे धीरे उसकी कम हो जाती है। तो ये इससे ना बीज की प्रॉब्लम आती थी, तो एक तो ये समस्या दूर कर दी, और दूसरी बात जो इसका सबसे मेन कारण क्या है, टेक्निकल अगर आप समझोगे तो प्रॉपर देखो ध्यान से, जो अपना सेंटर पॉइंट है, जो रोटर अपने सुपर सीडर का जो सेंटर पॉइंट है, वो प्रॉपरली इन्होंने मेंटेन कर दिया, क्योंकि जो वेट है ना, जो सुपर सीडर के ऊपर वेट ना, एक्स्ट्रा वेट ना बढ़ा के, जो प्रॉपरली जो वेट है वो पूरा एकदम बिल्कुल सेंटर ग्रेविटी पे काम करेगा, जिससे क्या हमारे सुपर सीडर की गहराई अच्छी जाएगी, आप जितनी चाहो उतनी गहराई ले सकते हो। ये सबसे बड़ा अच्छा काम लगा, जो कि हाइट भी बड़ी कर दी, उससे क्या हमारा पाइप के लीकेज का ब्लॉक नहीं होगी, और दूसरा साथ के साथ में क्या है कि हमारा वेट है जो बिल्कुल एकदम डिवाइड होगा, जो कि आपके ट्रैक्टर वजह से लोड कम करती है। और इन छोटे छोटे बदलाव के कारण आपका ट्रैक्टर, जो कंपनी कहती है भाई 4 लीटर के करीब पर एकड़, 4 लीटर में आपका सुपर सीडर 1 एकड़ बिजाई कर देगा, बुआई कर, दोनों काम कर देगा इकट्ठे। पीडीसी कंपनी ने ये एक बड़ा अच्छा, छोटे छोटे बदलाव से क्या है भाई, कोई भी मशीन छोटे छोटे बदलाव से ही एक अच्छा रूप लेके जाती है। और साथ में जैसे हम बात करें इसके ब्लेड, ये अपना ब्लेड अपने जैसे चाहो 2-3 प्रकार के आते हैं, अपने दोनों तीनों प्रकार के आप ले सकते हो, JLC, जो अपना जोन सा चाहिए, 2-3 टाइप के ब्लेड आते हैं, वो अपना ले सकते हो अपने पसंद के अकॉर्डिंग, और लेकिन जो ज़मींदार जो कहते हैं वो उसके अकॉर्डिंग डिमांड दे देती है। और जो छोटा सा एक और बदलाव किया, छोटा सा नहीं काफ़ी बड़ा बदलाव जो ज़मींदारों के लिए है, बात करते हैं हम इसकी, जो कि जो मेन काम करना है इस पर टायर ने करना है, इस पहिए ने करना है, व्हील ने करना है, क्योंकि जो बीज डलेगा वो इस व्हील के घूमने के साथ होगा। एक तो बहुत सारे बंदों ने ये जैसे ना थोड़ा सा हल्की क्वालिटी में दे दिया, एक तो इसका वेट बढ़ाया है, उसके साथ मेरा कंपनी जैसे यहाँ पे स्प्रिंग देती थी, स्प्रिंग से क्या होता था, एक टाइम के बाद जैसे स्प्रिंग खिंचा रहता था तो वो लूज हो जाता था, और प्रॉपरली ना इसको दबाव नहीं दे पाता था, इसको ना दबा के नहीं रखता था, वो ना दबाने के कारण क्या, ये टायर घूमता नहीं था। जैसे आप लोगों ने सोचा होगा, कई बार सुना भी होगा, देखा भी होगा कि भाई जैसे बीज में आपने 2 किलो बीज डालना था खेत के अंदर, लेकिन 200 आपको 100 या 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम आपका बीज बच जाता था बाद में,
वो कारण यही था, ये टायर ना घूमने का कारण। आपने ट्रैक्टर प्रॉपर चलाया लेकिन ये टायर आपको दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि हर टाइम तो ऐसा नहीं करेगा, कभी कभी करता है, जब भी करता है लेकिन वो आपका बीज की कमी हो जाती है, जहाँ ये नहीं घूमेगा वहाँ पे बीज नहीं डलेगा। तो अब कंपनी ने क्या किया, एक साथ फिक्स प्रोग्राम कर दिया, हर 2 इंच पे एक छेद दे दिया, आप इसकी 2 इंच की जैसे 2 इंच जैसे नीचे को 2 इंच के हिसाब से इसका सेटिंग करके आप इसको प्रॉपरली चला सकते हो। और हैवी दे दिया, ये काफ़ी वेट में दे दिया, आप इसको भारी दे दिया पूरा, तो ये छोटे छोटे बदलाव। और साथ में जैसे एक और जो जो भी बात करें भाई, पीछे कंपनी ने यहाँ पे सॉकर दिया, ये एक हाइड्रोलिक सॉकर दे दिया, ताकि क्या जैसे आप इसकी एक सेटिंग करके इसको सेट करके एक बार प्रॉपरली उसके बाद इसको रूलर को छोड़ दो, क्या जैसे जो पुराने होते थे उनमें जो स्प्रिंग है उनमें मिट्टी घास वगैरह फंसने से क्या हो कई बार काम नहीं कर पाते थे प्रॉपरली, जिसको ऊपर इसको दबा कर रखने का काम प्रॉपरली नहीं कर पाते थे। और जैसे जब इसको जैसे ऊपर आना होता था तो ऊपर नहीं आने देते थे, वो छोटी छोटी जैसे जमींदार भाइयों फीडबैक थे ये, तो उसको सोल्व करने के लिए कंपनी ने क्या किया, इसमें हाइड्रोलिक सॉकर दे दिया एक अच्छी क्वालिटी के साथ में। अब इसमें मिट्टी लगे डस्ट लगे कोई ना तो ब्लॉकेज का कोई कारण है, और इसको रूलर को प्रॉपरली दबा के रखेगा नीचे, और जहाँ पे उठने की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे वहाँ पे ये प्रॉपरली आप इसको उठा सकते हो। और इसके लिए भी एडजस्टमेंट दे दी, यहाँ पे काफ़ी पॉइंट दे दिए एडजस्टिंग के। और एक और सबसे बड़ा बदलाव जो कि जमींदार भाइयों ने, ये है ना अक्सर ये चीज़ें तो मेरे हिसाब से जो जमींदार हैं छोटी सी लापरवाही करने से, कई बार क्या लापरवाही करता नहीं लेकिन हो जाता है अनजाने में भी, अनजाने में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, उन गलतियों को दूर करने कंपनी ने क्या, जैसे ये डिस्क की बात करें, पीछे जो डिस्क लगी हुई है, ये डिस्क क्या होता था, जैसे आप सुपर सीडर को हल्का सा कई बार कम उठाते थे हम ट्रैक्टर मोड़ते टाइम, क्या होता था ये डिस्क ना मुड़ जाती थी, मुड़ने के कारण क्या होता था आपका ये जब चलती थी ये ना तो ये प्रॉपर ज़मीन में बैठ जा पाती थी, नीचे तक गहराई नहीं ले पाती क्योंकि उसकी चाल ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होगी, तो क्या है कई बार मिट्टी कम या ज़्यादा वो प्रॉपर लाइन नहीं बना पाता था, और वो कई बार क्या है इसमें जैसे जाम अटक के जैसे टेढ़ी मेढ़ी होने के बाद इसमें अटक जाती थी, घूम नहीं पाती थी, तो अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाती थी, मुड़ जाती थी वो। तो उसके लिए कंपनी ने अब क्या किया, पहले जैसे है ना 2.5 mm की जो मोटाई है ना इसकी, जो मोटाई की बात करें पहले 2.5 mm की मोटाई के साथ में आती थी, अब कंपनी ने क्या किया इसका 3.5 mm की मोटाई के साथ में कर दिया। इससे ना आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदे की बात करते हैं अब हम, जब आप ट्रैक्टर कई बार क्या है बिना उठाए मोड़ देते हैं अनजाने में मुड़ जाता है, नहीं भी ध्यान जाता, कई बार जैसे आप लीवर उठाते हो लेकिन कम उठा पाते हो, ध्यान कहीं और होता है, भाई आधा लीवर आपने उठाया तो ज़मीन में लगी रह जाती थी, तो 2.5 mm के कारण क्या 2.5 mm होने के कारण ये मुड़ जाती थी आसानी से। अब क्या 2.5 mm के अकॉर्डिंग वो 3.5 mm के अकॉर्डिंग 2.5 mm वाली बहुत जल्दी मुड़ जाती थी, तो कंपनी इसकी क्या मोटाई बढ़ा दी, मोटाई बढ़ाने से क्या इसकी मजबूती बन गई, मजबूती बनने से क्या है मुड़ने के चांस इसके कम हो गए। अब आप कई बार गलती से लापरवाही कर भी देते थे दोगे तो वो आपको प्रॉब्लम इसमें सुपर सीडर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कि आपका बीज है ना प्रॉपरली गहराई में जाएगा, प्रॉपरली प्रॉपर काम करेगा। ये छोटे छोटे बदलाव से है ना कंपनी ने इसके सुपर सीडर के अंदर बहुत कुछ डाल दिया। अब बात करते हैं इसकी पेंट क्वालिटी की, पेंट की बात करें जैसे आपको बात करें पाउडर कोटेड पेंट है, प्रॉपरली ऑटोमेटिक चेन सिस्टम के साथ में चलता है, और सबसे बड़ी बात पाउडर कोटिंग का एक और इसके साथ में प्लस पॉइंट कंपनी ने कह दिया है कि हर पार्ट पे अलग अलग पेंट होता है, यानी कि असेंबल करने के बाद पूरा जैसे जॉइंट करने के बाद पूरा जैसे सुपर सीडर बना दिया उसके बाद पेंट करना नहीं, इसके अंदर क्या था जैसे इसका जो भी इसके अंदर जो पार्ट लगा हुआ है पूरे इसमें सुपर सीडर में जहाँ भी कोई भी एक पार्ट लगा हुआ है अलग अलग पार्ट को खोल के उसका ना प्रॉपरली पेंट किया गया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो में, जो कि प्रॉपर वर्कशॉप दिखाऊंगा आपको, पेंट शॉप दिखाऊंगा आप लोगों की कि आप लोगों को कि भाई कैसे क्या पेंट करा है, कैसे क्या क्या इन चीज़ों से क्वालिटी इंप्रूव होती है। जो कि पाउडर कोटिंग पेंट होने के साथ साथ में इसमें ब्लास्टिंग करके प्रॉपर पेंट किया जाता है ताकि उसमें छेद वगैरह बन जाए प्रॉपरली, क्वालिटी के मामले में कंपनी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रखा कहीं से भी किसी प्रकार से भी, CNC कटिंग मशीन के साथ में आप देखो ध्यान से आप खुद देख के बताओगे कि आप जैसे अपना जमींदार भाई अपना जैसे अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं डीलरशिप है जहाँ पे भी वहाँ जाके आप खुद देख के बताना कि इसके अंदर आपको क्या कमी महसूस है, जो कि आपको जो भी पीस मिलेगा बिल्कुल एकदम जितने भी सुपर सीडर मिलेंगे सबके अंदर एक समान एक जैसा मिलेगा, ये नहीं कहीं कटिंग जैसे ये एंगल देखोगे ये नहीं कहीं एंगल कम होगा ज़्यादा होगा बिल्कुल एक समान मिलेगा प्रॉपरली, ये होता है CNC कटिंग मशीन का सफाई का फिनिशिंग का। इसी से ना जैसे कहते हैं ना ब्रांड बनना ये ही ब्रांडिंग होती है, इन छोटी छोटी चीज़ों से ही ब्रांड बनती है। तो ये चीज़ थी, अब मैं आप लोगों को ना जैसे इसकी पेंट शॉप दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे पेंट होता है, कैसे इसकी CNC मशीन के साथ कटिंग होती है। और कंपनी सबसे बड़ी बात ये है टाटा कंपनी का ही लोहा यूज़ करती है, आप कहीं भी देख लेना कहीं भी चेक करवा लेना प्रॉपरली ब्रांडिंग के साथ में मिलेगा आपको पूरे सुपर सीडर में टाटा का, जितने भी PDC कंपनी के इंप्लीमेंट मिलेंगे सभी में टाटा के लोहे के साथ में बनाते हैं, जिससे क्या टाटा का लोहा जैसे कहते हैं टाटा का लोहा और बाटा का जूता लाइफ टाइम चलेगा आपका।
तो भाई ये चीज़ थी, ये चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था मैं, आपको बताना चाह रहा था। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ खरीदना है, इसको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो मैं आपको लोगों को जैसे डिस्प्ले पे नंबर भी दिखा देता हूँ भैया, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और साथ के साथ में आपको मैं जैसे जो नीचे नंबर डले हुए हैं इन पे भी आप कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेना ना लेना वो एक अलग चीज़, लेकिन एक प्रोडक्ट के बारे में, इम्प्लीमेंट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ है भाई, आप कोई भी जैसे आने वाले टाइम में सुपरसीड रहेगा, पूरे भारत के अंदर इनका सुपरसीड, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य लगभग पूरे भारत में अब कंपनी की जैसे चेन है अपना सेलिंग है। तो भाई जैसी वीडियो लगे कमेंट करें ज़रूर बताना, और कोई कमी हुई या कोई गलती है तो आप ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को उसके बारे में, जैसे आपको इसके बारे में और भी कोई चीज़ पता करना है, या तो आप कॉल नंबर पर कॉल करके पता कर लेना जो नीचे नंबर डाल रखें, या फिर आप मेरे पास भी कॉल कर सकते हो, मैं आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करूँगा, आपको प्रॉपरली समझाऊँगा और बताऊँगा। ये देखो मैंने जैसे आपको बताया था ना CNC मशीन कटिंग भाई, यहाँ पे जो है ना सारा प्रोडक्ट PDT में एग्रो में सब जितनी भी इंप्लीमेंट के जितने भी पार्ट्स होते हैं सारे टोटली कटिंग की जाती है लेजर कटिंग से। और इसका बेनिफिट क्या होता है मैं आप लोगों को छोटा छोटा ये दो चार चीज़ें दिखाता हूँ जो कि कट सेक्शन है इसके अपने। ये देखो जब ये जैसे हम ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, अगर हम हाथ से काटते हैं, हाथ से कटिंग करते हैं, तो उसमें ना छोटी मोटी एक वेरिएशन आ जाती है, कई बार छोटा हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन लेजर मशीन से कटिंग किया हुआ ना बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। अगर आप इसको 1000 कटिंग करोगे ना, 1000 बदलाव बना वैसे, तो 1000 के 1000 बिल्कुल सेम उसमें मिलेंगे आपको, जो कि अपनी गाड़ियों में हर जगह यही चीज़ यूज़ की जाती है। और लेजर कटिंग से ना क्या फिनिशिंग में कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल एकदम बड़ी अच्छे तरीके से फिनिशिंग, और जो एग्जैक्ट जहाँ पे होना चाहिए जो छेद है, जो भी कुछ है, जो ये छेद भी आप देखोगे ना, हर छेद बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट मिलेगा आपको, बिल्कुल गोलाई में प्रॉपर तरीके से, ये नहीं थोड़ा इधर हो गया उधर हो गया, और जो चारों तरफ का एरिया, ये है CNC मशीन का बेनिफिट, जिससे ना प्रोडक्ट में क्वालिटी आती है। और क्वालिटी से क्या है भाई, जैसे आपने जो प्रोडक्ट करने का जो है ना, जो भी कोई भी प्रोडक्ट बनता है उससे उसमें लाइफ में बड़ा फ़ायदा मिलता है, क्वालिटी बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, और एकदम परफेक्ट होती है। आप एक प्रोडक्ट एक पीस बनाओ या 1000 पीस बनाओ, सबकी सेम मिलेगी आपको। CNC मशीन जैसे यहाँ पर प्रॉपरली अपने ड्राइंग डाल दी जाती है, और ड्राइंग डाल के प्रॉपरली सारा काम ऑटोमेटिक करती रहती है। और साथ में जैसे आप कुछ पीस भी दिखा देता हूँ, ये देखो ये भी है, ये CNC मशीन से कटिंग हुआ है, और इसके छोटे छोटे एग्जांपल और दिखाता हूँ आप लोगों को। वहाँ पर कुछ पीस रखे हुए हैं, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट मिलेंगे आपको। ये देखो जो मैंने बताया ना पीस, अगर आप ये देखो ना, यहाँ अगर 50 पीस रखे हैं तो बिल्कुल एकदम, ये थोड़े से ना रखने में थोड़ी सी वो रखी है, बिल्कुल एकदम एक जैसे पीस मिलेंगे। ये देखो ये रख रखे बिल्कुल एकदम प्रॉपरली कटिंग, जैसे आप ऊपर टॉप व्यू से देखोगे आपको लगेगा छेद है, तो प्रॉपरली छेद ही है, ये नहीं कोई आगे पीछे कोई चीज़ होगी। ये बेनिफिट मिलता है क्वालिटी का। और जैसे एक सुपर हीटर बनाओ या 10 बनाओ या 50 बनाओ, सब में बिल्कुल एक जैसी वो मिलेगी, नट बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, इससे आती परफेक्शन। और परफेक्शन मतलब क्या है, एकदम संपूर्ण अच्छे तरीके से आप जैसे नट लगाओगे सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम मस्त बने, उससे ना लुकिंग भी अच्छी बनती है, और क्वालिटी सबसे मेन होती है, क्वालिटी बनती है चीज़ों से। चीज़ें छोटी हैं लेकिन महत्व बहुत ज़्यादा रखती है अपने कृषि यंत्रों के अंदर। ये देखो भाई PDC एग्रो वालों ने ना जो अपनी बेंडिंग होती है, जहाँ पे जो भी कोई भी पार्ट्स जहाँ पे मोड़ना होता है, ये CNC बेंडिंग मशीन है, हर बार बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट मोड़ेगी, ये नहीं कोई कम ज़्यादा मोड़ेगी। इससे क्या है भाई, जैसे जो भी जैसे आदमी अगर हैंडमेड बनाता है तो उसमें ना थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, कई बार थोड़ा कम मुड़ गया या ज़्यादा मुड़ गया, एक साइड से कम हो गया एक साइड से ज़्यादा हो गया, तो वो चीज़ें सारी इसमें ख़त्म हो जाती हैं। इन चीज़ों से छोटी छोटी चीज़ों से मिलके क्वालिटी बढ़ती है। ये देखो इस बंदे ने सारे कटिंग कर वहीं से मोड़े हैं अभी, और सभी का जो मोड़ है ना एक एंगल पे मुड़ते हैं, एक एंगल पे मुड़ने से हमारे प्रोडक्ट में मजबूती भी बढ़ती है, क्योंकि जो टेस्टेड होती है जो एंगल, जिस एंगल पे मोड़ के उसको टेस्ट किया जाता है उसी एंगल पे बार बार मोड़नी होती है। छोटे छोटे जैसे ये पार्ट होते हैं, जैसे ये वाला अगर हम उठाएँ, इसमें जैसे ये जो बैंड दे रखा है, ये वाला जो बैंड है ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है, ये है अपना लॉक जो होता है ना सीड, जो ड्रम का जो लॉक होता है, जो लॉक लगाते हैं, ये वो चीज़ है। इन छोटी छोटी चीज़ों से ना थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आती है, और हर बार सेम मिलेगा प्रोडक्ट आपको, एक बार आप बना के उसको लगाते रहो, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल सेम बना। बेंडिंग मेनली क्या कहते हैं, जो बेंड करना मोड़ना मशीन का, ये CNC बेंडिंग मशीन है, प्रॉपरली मुड़ेगी, हर बार सेम एंगल पर मुड़ेंगी ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ें। देखो मैंने जैसे बताया था पेंट क्वालिटी की बात, पाउडर कोटेड पेंट है, लेकिन पाउडर कोटिंग पेंट से पहले शॉर्ट ब्लास्ट होते हैं, जैसे कि बात करें छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं लोहे की, ये देखो आप देखोगे आपको मिलेंगी ये छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं लोहे की, इनसे क्या इसके ऊपर ब्लास्ट किया जाता है, जो भी जैसे ये पीस जैसे तैयार हो गया उसके बाद इसको ब्लास्टिंग करके आप लोगों को दोनों दिखाऊंगा इसका क्या फ़ायदा शॉर्ट ब्लास्ट का। अब देखो ये प्रॉपरली बिल्कुल एकदम है ना अलग अलग कलर आया हुआ है इसका, एकदम निकल गया जो डस्ट था,
जो भी इसके ऊपर गंद था या जो अपने पार्टिकल थे अपने इसके जंग के जो पार्टिकल थे वो सारे प्रॉपरली साफ़ हो गए एकदम। साफ़ होने के बाद क्या इसमें छोटे छोटे ना छेद हो गए, जो कि आप देखोगे ना खुरदरापन आपको महसूस हो रहा होगा वीडियो में, उस छेदों के कारण क्या अब इसमें क्या है पाउडर प्रॉपरली इसके अंदर जाएगा और प्रॉपरली इसके अंदर बिल्कुल एकदम गट जाएगा इसमें, जो कि आपका ना लंबे समय तक पेंट चलेगा, पेंट में कोई उतरने का कोई चांस नहीं रहेगा। और जो ये तो है ब्लास्ट के साथ में, ये होने के बाद में ऐसा निकल आता है। और देखो इसमें कितने कोई आपको नज़र नहीं आ रही कोई भी कमी। और अब लोगों को दिखाता हूँ साथ के साथ में ये वाला देखो पीस, अभी ये ब्लास्टिंग के लिए अंदर जाएगा। इसमें देखो ये वेल्डिंग के, ये ग्राइंडिंग के आगे, यहाँ पे देखो छोटे छोटे लोहे के उसके जंग के पार्टिकल बन गए धीरे धीरे करके। और जैसे इसकी ना सफाई में जैसे वेल्डिंग के जहाँ पे पीस लगे हुए हैं प्रॉपरली आपको सारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें अगर आप देखोगे ना प्रॉपरली एकदम बिल्कुल एकदम क्लीन और साफ क्लियर हो गए, इससे आपकी पेंट क्वालिटी पेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी लंबे समय तक आपका। ये देखो वेल्डिंग पार्ट आपको कैसा लग रहा है, बोले एकदम मस्त, जैसे कहते हैं नया आया वैसा ही हो, नए जैसा हो जाता है एकदम प्रॉपरली। तो ये इसके बाद इसके अपना ये जैसे यहाँ से प्रॉपरली सैंड ब्लास्ट, ये अपना शॉर्ट ब्लास्ट है, ये शॉर्ट ब्लास्ट मशीन के अंदर प्रॉपरली निकलते रहते हैं पीस, और इसके बाद जाएंगे पेंट के लिए। चलो अब आप लोगों को ना पेंट वर्कशॉप दिखाता हूँ, पेंट शॉप अब बताता हूँ आप लोगों को पेंट के बारे में। जैसे यहाँ से ऊपर आप लोगों को देख रहे होंगे लोडिंग लिखा हुआ है, लोडिंग का मतलब क्या है, यहाँ से कोई भी जैसे सुपर सीडर है, रोटावेटर है, स्ट्रो रिपर है, जो भी इंप्लीमेंट बनता है कंपनी के अंदर वो यहाँ पे जैसे अपना चेन से के द्वारा इसमें बांध लटका दिया जाता है इस पर। और इसके बाद क्या होता है धीरे धीरे घूम के चेन सिस्टम है ये प्रॉपरली पूरा पूरा। यहाँ पे जैसे अपना पाउडर कोटेड हो जाता है, पाउडर के अपना कोट चढ़ा के चढ़ाई जाती है प्रॉपरली पेंट करके, और ये दरवाजे वगैरह बंद हो जाते हैं प्रॉपरली, अभी मेरे कारण रोके हुए ये। और यहाँ से जैसे पेंट हो गए, एक एक पार्ट्स की बात करें, जैसे आप लोगों को दिखा भी देता हूँ भाई, एक एक पार्ट्स पे अलग अलग पेंट हो के प्रॉपरली भट्टी के अंदर से सूख के, जो कि अपना जैसे बात करें बड़ी बड़ी कंपनियों की बात, इंटरनेशनल जो कंपनियाँ हैं अभी जैसे PDC भी इंटरनेशनल बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, तो जैसे इसके उसके अंदर भी यही होता है, जो अपनी कारें होती हैं अपनी जो अपने जो पास जो कार आती हैं मेनली जो कार सभी बंदे यूज़ करते हैं, तो उनमें भी क्या होता है हर पार्ट पे अलग अलग तरीके से पेंट किया जाता है। अब आप देखोगे ना इसमें PDC एग्रो में भी अपना प्रॉपरली हर पार्ट पे अलग अलग तरीके से पेंट होने के बाद ये प्रॉपरली चेन है, जैसे पहले वहाँ से पाउडर कोटिंग होएगी, पाउडर कोटिंग होने के बाद पेंट आएगा, पेंट होने के बाद ये क्या है धीरे धीरे करके अपना पेंट को सुखाना भी होता है, ये अंदर से सूख के और प्रॉपरली सारा सिस्टम, इससे क्या है क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। और हर पार्ट पे पेंट होने के कारण अब आप कहीं भी देखो जैसे पानी रुक जाता है कहीं पे ज्वाइंटों में पानी रुक जाता है, तो उस टाइम पे इसमें जंग की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ें ना लाइफ को लंबी करती हैं इंप्लीमेंट की, आप एक बार लो सालों साल चलाओ, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों से ही फ़ायदा बेनिफिट मिलता है। और प्रॉपरली हर पार्ट पे अलग अलग तरीके से अलग अलग पेंट किया जाता है, उससे ये आपको जैसे बताया वह ज्वाइंट में पेंट होने के कारण ज्वाइंट में जैसे ना जंग वगैरह नहीं लगता। और जो फाइनली जो मैं बात करा मैं टेस्टिंग की आप लोगों को ना पेंट क्वालिटी की जैसे हम बात करें भाई, ये यहाँ पे प्रोडक्ट उतारे जाते हैं और साथ के साथ में है ना इनको टेस्ट भी किया जाता है भाई किस पे कितना DB पेंट हुआ, वो सारी चीज़ें वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ऐसे पार्ट्स पर निकाल के इनको रखा जाता है यहाँ पे, और यहाँ से प्रॉपरली जैसे ये पैकिंग होगी, पैकिंग होने के बाद इनको प्रॉपरली जैसे जहाँ पे चेन सिस्टम के साथ में छोड़ दिया जाता है चेन पे पहुँचा दिया जाता है, जिसका जहाँ ज़रूरत होती है वो वहीं पर अपना पार्ट्स पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जाके प्रॉपरली इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। तो अब चलो इसकी पेंट क्वालिटी के बारे में बताते हैं। पेंट क्वालिटी जैसे रैंडमली चेक होता है, रैंडमली मतलब क्या है बीच में कहीं भी जाके अपना चेक कर लेते हैं, ताकि कोई जो पेंट वर्कशॉप है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी चीज़ें पता लग जाए जो हमारा पेंट हो रहा है जो पेंट क्वालिटी है वो प्रॉपरली है या नहीं है। तो चलो वो दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे मैंने आपको ना पेंट वर्कशॉप दिखाई थी, उसके साथ में ना पेंट क्वालिटी चेक करने के लिए ना कंपनी ने कुछ अलग अलग प्रकार के अपने इंप्लीमेंट रख रखे हैं, और साथ में ना जो एक सर हैं अपने जो मेरी थोड़ी हेल्प करेंगे इस चीज़ को। मैं जैसे कंपनी के अंदर जो कोई भी इंप्लीमेंट बनता है कोई भी सभी को ना प्रॉपरली चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने से क्या है, जैसे ये अपना साइनिंग जैसे ये है ना, जैसे आप देखोगे ये जहाँ पे भी ऐसे रख के इसको और प्रॉपर बटन को प्रेस करने से क्या होगा, ये वहाँ पे जितनी भी साइनिंग होगी उस साइनिंग को प्रॉपरली चेक कर लेगा कि भाई कहाँ पर कितनी साइनिंग है वर्क का पेंट क्वालिटी का, जैसे हमें पता लग जाएगा। इसमें 70+ होना चाहिए, आप कहीं भी रखोगे कहीं भी रख लो वहाँ पे 70+ होना चाहिए इसकी क्वालिटी है, वो हर जगह वो आ जानी चाहिए। उससे क्या आपकी पेंट क्वालिटी जो है बेस्ट है, जो इस पे जो सुपर सीडर पर जो कंपनी कहती है भाई इतने पे इस पेंट क्वालिटी का हमें इस पे पेंट करना है, तो वो बेस्ट है। ये छोटी छोटी चीज़ों से ना प्रॉपरली कंपनी चेक करती रहती है इन चीज़ों को, जिससे क्या है भाई 70+ आना चाहिए, ये हर जगह 70+ ही आया हुआ है। यहाँ पे क्या है जैसे बंदे चप्पल पैर मैं भी चढ़ा था इस पर, उसके कारण भी हो सकता है ये चीज़ें। और जैसे स्क्रैच की बात करें भाई, जैसे स्क्रैच क्या कहते हैं, जैसे स्क्रैच जैसे टेस्ट करते हैं पेंट एक्चुअल में किस क्वालिटी में हुआ है या नहीं हुआ है, वो प्रॉपरली आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये सर साथ में है जो अपना अभी इस पर कर रखा था, उसी पर दिखा दो। जैसे ये चीज़ इसका नाम क्या बोलते हैं जो ये है, लेंस को तो आप पॉकेट में डाल लो सर, सोल एक्सटेंशन
एक मिनट इसको भी, ये जैसे सोइल एक्सटेंशन, सोइल रिटेनर, जैसे ये कोई एक नया पीस है, इस पर हमने वैसे पहले ऑलरेडी स्क्रैच कर रखे हैं, एक बार लेंस से दिखाना, एक बार ये लेंस ले गया उसके बीच में, ये देखो इस लेंस से दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, ये स्क्रैचेस बिल्कुल एकदम प्रॉपरली है यहाँ पे, ये वाले स्क्रैचेस पीस आपको दिख रहे होंगे जो कि और कहीं नहीं दिखाई देंगे आप लोगों को ये चीज़ें। आप लेंस को एक जगह रखो, बस लेंस को एक जगह रखो आप, ये और कहीं आपको ये स्क्रैच के पीस नज़र नहीं आएंगे कहीं पे भी, बस एक ये इसी पॉइंट पे हैं ये, आप देखो ये वाला पॉइंट है जो कि आप लोगों को दिख रहे होंगे स्क्रैचेस, ये छोटे छोटे स्क्रैचेज हैं, और इनका जैसे पेंट क्वालिटी का पता करने के लिए इसमें क्या करते हैं आप, क्या करते इस पर ये पेस्ट लगाते हैं, 3M टेप होती है ये। अच्छा 3M टेप लगा के, 3M टेप लगा के एक बार आप यहाँ करके दिखा दो दोबारा से, लेंस को पॉकेट में डाल लो। अच्छा इस तरीके से दिखाते हैं आप, तो प्रॉपरली इस पर ये करके कि भाई पेंट को, इससे क्या क्वालिटी का पता लगता है ना, क्वालिटी का पता लगता है ये पेंट फटा या नहीं फटा। अच्छा अच्छा इसमें दिखाई दे देगा पेंट फटा है कि नहीं फटा है। ठीक 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 ठीक, एक नया स्क्रैच लगा के दिखाओ एक बार, नया स्क्रैच लगा के एक बार नया प्रॉपर करके दिखा दे छोटा सा। क्योंकि इससे पता लग जाता है कितनी क्वालिटी की क्या है पेंट की। ये देखो हमने स्क्रैच लगा दिए, ये हल्के आपको दिख रहे होंगे और कहीं नहीं नज़र आएंगे आपको, सिर्फ ये यहीं नज़र आएंगे। अब इस पर क्या टेप लगाओगे आप, ये प्रॉपरली टेप लगा दी इसके ऊपर चिपका के टेप, और इससे अब टेप को हम उतारेंगे तो इससे ना पेंट उतर जाएगा, और वो पेंट उतरेगा तो टेप पे दिखाई देगा, नहीं उतरेगा। अच्छा पेंट नहीं उतरेगा, मतलब पेंट उतर गया तो क्वालिटी डाउन है, और पेंट नहीं उतरा तो इसका मतलब क्वालिटी अच्छे वाले, अच्छी क्वालिटी। ठीक ठीक, मतलब जो पेंट वर्कशॉप में जो पेंट हो गया बस हटाओ, जो पेंट वर्कशॉप में जो पेंट हो गया है इस पीस पे वो प्रॉपरली अच्छी क्वालिटी का पेंट हो गया है। ये एक ऐसे टेस्टिंग है जो कि रेंडमली कहीं भी जाके अपना चेक करते रहते हैं इन चीज़ों को। तो यही पेंट क्वालिटी जो मैं आप लोगों को दिखाया, अब सुपर सीट के बारे में बात करते हैं भाई। जैसी वीडियो लगे कमेंट कर जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।